आज से 15 दिन पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट में एक ही परिवार का 6 लोग खुदकुशी कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। पैसा के चलते लेन देन सूदखोरों ने पैसा दिया था और उस पैसे को 2 से 3 बार की चुका दिया था, और जितना पैसा लिया था उससे 3 गुना चुका दिया। फिर भी उस पर दबाव बना रहा था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसी कारण खुदकुशी कर लिया। तो इसी पर मैं कुछ एक नज़्म लिखा हूँ। साहूकारों का ताना सुन सुन कर डर गया, फिर भी छोड़कर नहीं अपना घर गया। साहूकारों का ताना सुन सुन कर डर गया, फिर भी छोड़कर नहीं अपना घर गया। एक हंसता खेलता परिवार 6 लोगों का कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। एक हंसता खेलता परिवार 6 लोगों का कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। न जाने कौन सी चुभन थी, एक राज सीने में दफन थी। मन ही मन रोता होगा, चैन से नहीं सोता होगा। सच बोलने से हमेशा डरता रहा, मरते वक्त भी अफसोस करता रहा। सच बोलने से हमेशा डरता रहा, मरते वक्त भी अफसोस करता रहा। सुदखोरों ने मौत का कहर बरपा होगा, न जाने मरते हुए कितना तरपा होगा। सभी को अपने अपने जिंदगी से प्यार था, खुदकुशी करने के लिए कोई नहीं तैयार था। झूठ को सच बोलकर डराया होगा, खुदकुशी करने के लिए उसका आया होगा। झूठ को सच बोलकर डराया होगा, खुदकुशी करने के लिए उसका आया होगा। इंसानियत पर से भरोसा उठ गया, इसीलिए मौत को गले लगा लिया। जीते जी कोई नहीं किया सहारा, अब नहीं रह गया दुनिया हमारा। एक बसा बसाया हुआ घर उजड़ गया, कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। एक बसा बसाया हुआ घर उजड़ गया, कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। जिस्म से रूह हो गया जुदा, कह दिया इस दुनिया को अलविदा। मर गया 6 निर्दोष इंसान, गवाही दे रहा था श्मशान। मर गया 6 निर्दोष इंसान, गवाही दे रहा था श्मशान। हालात से लड़ते लड़ते सांस टूट गया, अपना पराया सब पीछे छूट गया। मिट गया दिल की अरमान, मजबूर होकर देना पड़ा है जान। मिट गया दिल की अरमान, मजबूर होकर देना पड़ा है जान। कत्ल करने वालों का तलाश है, पूरा का पूरा शहर यहाँ उदास है। अपनों लोगों को छोड़कर ना जाने किधर गया, कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। अपनों लोगों को छोड़कर ना जाने किधर गया, कर्ज में डूब कर जहर खाकर मर गया। मैं बोल रहा हूँ अगला शेर कि कागजों पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ किसी का दर्द, किसी के आंसू लिखता हूँ। कागजों पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ किसी का दर्द, किसी को आंसू लिखता हूँ। कहीं आम मजलूमों की आवाज़ दब ना जाए, इसीलिए मैं शायरी करता हूँ। कहीं आम मजलूमों की आवाज़ दब ना जाए, इसीलिए मैं शायरी करता हूँ। शायरी करने से हमने सोचता हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँगा, स्टार बन जाऊँगा। मेरा एक मिशन है, एक संकल्प है ज़िंदगी का कि हम आम जितने भी गांव में ऐसी होती हैं समाज में दबा कुचले लोग, उन्हीं के लिए मैं शायरी करता हूँ। अगली गजल की। अंगारों पर भी चढ़कर चलना है हमें, अपनी मुकद्दर को बदलना है। अंगारों पर भी चढ़कर चलना है हमें, अपनी मुकद्दर को बदलना है। मरने के बाद भी दुनिया याद करे, कुछ ऐसा काम हमें करना है। मरने के बाद भी दुनिया याद करे, कुछ ऐसा काम करना है। अपनी कश्ती को पार करने के लिए समंदर की लहरों से लड़ना है। अपनी कश्ती को पार करने के लिए समंदर की लहरों से लड़ना है। और जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक चैन से नहीं सोना है। जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक चैन से नहीं सोना है। और जो तुम्हें अपने बराबर का ना समझे, फिर वो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना है। जो तुम्हें अपने बराबर का ना समझे, फिर वो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना है। अगर हौसलों को आजमाया जाए तो इम्तिहान देने से पीछे नहीं हटना है। अगर हौसलों को आजमाया जाए तो इम्तिहान देने से पीछे नहीं हटना है। मेहनत करने से ही हाथों का लकीर बदलता है, ठोकरे खाते खाते ज़िंदगी एक दिन संवरता है। मेहनत करने से ही हाथों का लकीर बदलता है, ठोकरे खाते खाते ज़िंदगी एक दिन संवरता है। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो पत्थर भी मोम की तरह पिघलता है। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो पत्थर भी मोम की तरह पिघलता है। और जो सफल होने के लिए प्रयास लगातार करे, वैसे लोगों को सफलता जरूर मिलता है। जो सफल होने के लिए प्रयास लगातार करे, वैसे लोगों को सफलता जरूर मिलता है। अपने हौसलों को तू हमेशा रखना बुलंदियों पर, फिर हर बड़ा से बड़ा काम भी छोटा लगता है। अपने हौसलों को तू हमेशा रखना बुलंदियों पर, फिर हर बड़ा से बड़ा काम भी छोटा लगता है। और जब कोई अपने लोग ही धोखा दे तो छोटी सी बात भी सूल बनकर चुभता है। जब कोई अपने लोग ही धोखा दे तो छोटी सी बात भी सूल बनकर चुभता है। चांद को कभी गुरूर था अपने आप पर, चांद को कभी गुरूर था अपने आप पर,
इसीलिए चांद में भी दाग दिखता है। एक शेर है, ना किसी को हिंदू ना किसी को मुसलमान समझा जाए, यहाँ हर एक नागरिक को इंसान समझा जाए। ना किसी को हिंदू और ना किसी को मुसलमान समझा जाए, यहाँ हर एक नागरिक को इंसान समझा जाए। और मत मारो किसी के मजहब के नाम पर, यहाँ सभी को भारत माँ का संतान समझा जाए। मत मारो किसी के धर्म के नाम पर, यहाँ सभी को भारत माँ का संतान समझा जाए। एक लास्ट जाते वक्त अपना कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, मैं फिर लौट कर आऊँगा, दिल से नमस्ते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, मैं फिर लौट कर आऊँगा, दिल से नमस्ते। अगर आप लोगों की दुआ हमारे साथ हो तो मैं हर वक्त रहूँगा हमेशा हंसते।